हेलो गाइस एंड हाय टू एवरीवन। ये हमारा फिर एक नेक्स्ट लेक्चर है या फिर क्वेश्चन सीरीज बोल सकते हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन करेंगे। राइट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन है वो क्या है। ए लाइट स्ट्रॉन्ग रोप इज स्ट्रेच टाइटली बिटवीन टू पॉइंट। टू पॉइंट इट मीन्स ए और बी के बीच में टाइटली वो फिक्स किया गया था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल उन लोग का सेम है। एंड 78 इट मीन्स 78 kg दिया है मास ऑफ द ब्लॉक। एम इज इक्वल टू 78 kg ब्लॉक हग फ्रॉम द मिड पॉइंट, यानी इन दोनों के मिड पॉइंट में मेरा फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसलिए आप ज़्यादा सोचे नहीं। इफ़ द एंगल इज़ फाई इज इक्वल टू 11 डिग्री, यानी कि जो थीटा है बोले या फिर फाई, राइट, वो हमारा 11 डिग्री दिया है, तो हमें टेंशन निकालना है कि रोप के बीच में टेंशन क्या हो रहा है। राइट, इसका सबसे सिंपल ट्रिक बोले, सिंपल फॉर्मूला बोले, जो कि आपको एग्जाम टाइम भी याद रहेगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। राइट, इसका होता है 2t sin थीटा इजक्वल टू mg। इससे ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। आप करें तो बहुत एक्स्ट्रा डेरिवेशन भी लगा सकते हैं, बट हमें सबसे सिंपल मेथड से समझना चाहिए। राइट, ताकि एग्जाम में भी स्ट्राइकली एकदम हमको याद है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर के वजह से भी हमें बहुत कुछ हम भूल जाते हैं। तो राइट, हमें यहाँ पर टेंशन निकालना है, तो टेंशन को यही छोड़ के mg/2 sin थीटा को यहाँ ला सकते हैं। राइट, टी इज इक्वल टू एम हमारा कितना दिया है 78 × g। जी हम कितना ले लें, 10 m/s अपने आसानी के लिए। राइट, सेकेंड स्क्वायर 10/2 × sin थीटा का वैल्यू हमारा कितना दिया है 11। राइट, 78 × 10/2। अब ये देखिए साइन 11 डिग्री का, जो भी आपको कैलकुलेटर या फिर कैशियो एग्जामिनेशन हॉल में जाने का अलाउ नहीं है, इसका वैल्यू याद रखना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर आपका इस तरह का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तभी आप इस क्वेश्चन को टच करें, रेदर देन आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया है, राइट, 0.19। देन हमारा टी का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो पॉइंट टू 5.63 न्यूटन। आफ्टर अप्रोक्सीमेशन अगर किलो न्यूटन में करें तो हमारा 2.052 kN, या फिर टी इज इक्वल टू 2 kN भी बोल सकते हैं, यानी कि टेंशन जो हमारे रोप में जो टेंशन आएगा, टेंशन इन रोप, वो हमारा कितना हो जाएगा 2 kN। राइट, तो ये रहा हमारा आंसर। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट अगर आप बोले तो ये फॉर्मूला है आपका। आप लोग ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे तभी एग्जामिनेशन हॉल में या फिर कहीं भी आपको तब तुरंत बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।